दिन हो गए धरने को? देखिए आज अनिश्चितकालीन धरने का ये 32वां दिन है आज, और गांव खरगादिया, खापड़ और छत्र के लोग लगातार यहां पे धरने पे संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। और जिस तरह आप देख रहे हैं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन न्याय हमें मिल नहीं रहा। जो हमारी मांगे थी, खास करके जो गांव खापड़, छत्र और खरगादिया के जो गिरफ्तारी के जो मामले थे, उन मामलों को गिरफ्तारी वाले मामलों अभी तक गिरफ्तारी डिले होने लग रही है। वो सारा का सारा पुलिस प्रशासन के द्वारा जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं धरने पे। तो हमने अभी 32 दिन हुए हैं, उससे पहले भी हम जिस दिन से हमारा, जैसे गांव खापड़ में 4 सितंबर को सोशल बायकॉट हुआ था और 6 सितंबर को गांव छात्र में सोशल बायकॉट हुआ था, उस टाइम से भी हम लगातार संघर्ष रहते हैं आरोपियों को गिरफ्तार करवाने के लिए। और जब हम हरियाणा सरकार ने, जिंद प्रशासन ने हमारी अनदेखी की, तो कल फिर मजबूर होकर के हम लोगों ने, जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनसे मिलने के लिए, हम भिवानी के लिए निकले थे यहाँ धरना स्थल से, कि राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के अवगत कराएं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम दलितों का क्या हाल है, किस तरह की पीड़ा हमने सहन करनी पड़ रही है। और आज के समय में भी देश आज़ादी के 74 साल बाद भी आज भी हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है। तो जैसे ही सुबह हम यहाँ धरने से निकले 9:30 बजे के आसपास, तो बीच रास्ते में भिवानी रोड पर गाँव बास के पास जो पुलिस नाका था, उस पुलिस नाके पर जींद पुलिस के द्वारा, जो CIA की टीम थी उसके द्वारा, हमारे साथियों को, मेरे समेत हमारे साथियों को सभी को गिरफ्तार कर लिया, और ज़बरदस्ती हमारे फ़ोन छीन लिए गए और हमें बास थाने में लगभग 1.5 घंटा तक बिठाए रखा बिना किसी कारण के, बिना किसी कसूर के। उसके बाद वहाँ पे भिवानी पुलिस पहुँचती है, एक वैन के अंदर 10-11 पुलिस वाले पहुँचते हैं, जो तमाम पुलिस वाले हथियारों से लैस थे, AK-47 थे, सबके पास रिवॉल्वर थी, और उन लोगों ने जींद पुलिस ने भिवानी पुलिस को हम लोगों को हैंड ओवर कर दिया, और भिवानी पुलिस हमें वैन में बिठा करके तमाम जगह, भिवानी रोड के तमाम जगह पर हमें घुमाती रही, रोकती रही, लेकिन हमें वैन से नीचे नहीं उतरने दिया। और ये सब ड्रामा सुबह 10 बजे से लेकर के, मान के चलो आप, शाम के 5 बजे तक ये ड्रामा चला, उन लोगों ने हमें कैद करके रखा, और फिर जा करके 5 बजे के आसपास हम लोगों को छोड़ा गया। देखिए, ये जो कल जो गिरफ्तारी हमारे लोगों की गई, मेरी और मेरे साथियों की जो कल गिरफ्तारी की गई, वो अवैध हिरासत माना जाए उसको, कि इस तरह से किसी आदमी को, जो खुद धरने पे बैठे हैं न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और ऐसे वो लोग जब मिलने के लिए राष्ट्रपति जी, मोदी जी से मिलने के लिए जा रहे थे, ये कन्फर्म भी नहीं था कि वहाँ पे हमें मिलने दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन बीच रास्ते से इस तरीके से हमारी गिरफ्तारी करवाना, कहीं ना कहीं ये साफ संकेत है कि दलितों को दबाने की कोशिश की गई है। और ये जो अवैध गिरफ्तारी की गई, उसके विरोध में आज हम हरियाणा सरकार के DCM का यहाँ पुतला दहन करने वाले हैं। उसका कारण ये है कि जो उचाणा विधानसभा है, गाँव खापड़ और छत्र, ये उचाणा विधानसभा में आते हैं, वहाँ से DCM विधायक हैं। मुर्दाबाद।